बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं डेटाबेस की बुक के। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मेरे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल थी तो मैं इन टेक्स्ट बुक से ये लेक्चर बना लिया। आपके पास अगर IT सीरीज़ या दूसरी बुक्स हैं तो आप उनसे अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे जी। चैप्टर नेम इज़ डाटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। स्टूडेंट्स, हम इंटेग्रिटी पढ़ चुके हैं। इंटेग्रिटी मीन्स द करेक्टनेस ऑफ डेटा, कि डेटाबेस के अंदर डेटा करेक्ट एंटर हो। डेटाबेस इंटेग्रिटी रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। डेटा कंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट ना हो डेटा, और डेटा करेक्ट हो। इनकंसिस्टेंट याद है ना, हम पढ़ चुके हैं पहले फाइल सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रही थी डेटा इनकंसिस्टेंसी की ड्यू टू डेटा रिडंडेंसी, तो डेटाबेस में हमने वो सारा कुछ रिमूव कर दिया। और हमने देखा था कि फाइल सिस्टम में डेटा को करेक्ट एंटर करने के कोई रूल्स नहीं लगाए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये के जैसे हमने पढ़ा था कि अगर नेम है, नेम का कॉलम है, तो हम कोई रूल नहीं लगा सकते कि उस पर अल्फ़ाबेट्स ही एंटर हो, उसमें डिजिट्स एंटर नहीं हो सकते। इस तरह के रूल्स हम फाइल सिस्टम में नहीं लगा सकते थे। तो डाटा इंटेग्रिटी मीन्स द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डेटाबेस प्रोटेक्शन। वाइल इट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड प्रिसीजन, इट हैज़ सम ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस एज वेल। सिक्योरिटी इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग ऑफ डाटा फ्रॉम अनऑथराइज ऑपरेशन, वाइल इंटेग्रिटी इज कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ डाटा इट सेल्फ। ठीक है, उसने कहा दो तरह की सिक्योरिटी हो सकती है, प्रोटेक्शन हो सकती है डाटा की। एक तो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मीन्स कि कोई अनऑथराइज बंदा इसको ना यूज कर सकते, और दूसरी प्रोटेक्शन हम ये कर रहे हैं कि डाटा की क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, यानी कि डाटा बिल्कुल ठीक एंटर होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि ये नेम है तो इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट डाटा इसके अंदर एंटर है। अगर ये रोल नंबर है तो इसके अंदर डिजिट्स ही एंटर हैं, इसके अंदर अल्फाबेट्स नहीं आ सकते। इस तरह के कुछ रूल्स हम लगाएंगे। Integrity is usually expressed in the term of certain constraints, which are consistency rules that the database is not permitted to violate. ठीक है, उसने कहा इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम कुछ कंसिस्टेंसी रूल्स लगाएंगे, और डेटाबेस ये परमिशन नहीं देगी कि हम उन रूल्स को वायलेट कर सकें। ठीक है, यानी कि अगर हमने नेम पे ये रूल लगाया हुआ है कि इसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स एंटर हो सकते हैं, तो नो पर्सन इज अलाउड टू एंटर डिजिट्स इन नेम कॉलम। सिमिलरली, इफ वी हैव पुट द इंटेग्रिटी रूल ऑन द रोल नंबर दैट ओनली डिजिट्स डाटा कैन बी एंटर्ड, सो नो वन इज अलाउड टू एंटर अल्फाबेट्स इन दैट डाटा। इफ ही एंटर्स, इट गिव्स एन एरर मैसेज, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर, और इस तरह से मैसेज आएगा उसको। ठीक है, फॉलोइंग आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स इन रिलेशनल डेटाबेस, इंटेग्रिटी, एंटिटी इंटेग्रिटी। दो तरह के हम ये रूल्स मेंटेन कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, मेंटेन करेंगे। एक है एंटिटी इंटेग्रिटी और दूसरा है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी इज अ कंस्ट्रेंट ऑन प्राइमरी वैल्यूज दैट स्टेट्स नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की शुड कंटेन नल वैल्यू। एंटिटी इंटेग्रिटी प्राइमरी की के तौर पे हम इसको रूल के तौर पे लगाएंगे। एंटिटी इंटेग्रिटी ये कहती है कि डुप्लीकेट रोज नहीं होनी चाहिए, सॉरी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्राइमरी की एट्रीब्यूट को नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। जैसे हमने कहा था कि रोल नंबर है तो रोल नंबर नल नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये कहती है कि जो टपल्स, जो रोज पेरेंट टेबल में है, ठीक है, जो कॉलम जिस पे आपने प्राइमरी की लगाई है, जो पेरेंट टेबल में है वही चाइल्ड टेबल में हो सकते हैं, उससे कुछ डिफरेंट नहीं हो सकता। दिस इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज अ कंस्ट्रेंट ऑन फॉरेन की वैल्यूज दैट स्टेट्स दैट इफ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन देन आइदर द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की ऑफ द सम टपल इन इट्स होम रिलेशन और फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी कम्प्लीटली नल। या तो कम्प्लीटली नल होगी, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, अदरवाइज अगर वो एग्जिस्ट करती है तो इट मस्ट मैच द टपल्स इन द पेरेंट टेबल। पेरेंट टेबल के मुताबिक ही उसको होना चाहिए, उससे ज़्यादा कोई वैल्यू चाइल्ड टेबल में नहीं आ सकती। ये दो इंटेग्रिटीज हैं जो कि हम डेटाबेस में मेंटेन करेंगे, एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। थोड़ा सा रिवाइज कर लें,
एंटिटी इंटेग्रिटी ये कहती है कि प्राइमरी की वैल्यू को नल नहीं होना चाहिए, और रिफरेंशियल इंटेग्रिटी ये कहती है कि चाइल्ड टेबल में जो वैल्यूज हैं दैट मस्ट मैच विद द वैल्यूज ऑफ द इन द पेरेंट टेबल इन प्राइमरी की. ठीक है, फॉरेन की में जो वैल्यूज हैं वो पेरेंट टेबल में प्राइमरी की से मैच करनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स इंटू स्मॉल सिंपल एंड स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर्स. इट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंस. इन अदर वर्ड्स, नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक फॉर व्यूइंग द एंटिटी और एट्रीब्यूट लिस्ट टू एंश्योर डैट एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड वेयर दे बिलोंग. इट इज द बेसिस फॉर अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. इन प्रैक्टिस इट इज सिंपली एन अप्लाइड कॉमन सेंस. मोर फॉर्मली स्टेटेड, इट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द डिपेंडेंसीज ऑफ एट्रीब्यूट विद एन एंटिटीज. एट्रीब्यूट फॉर ईच एंटिटी आर चेक्ड कंजक्टिवली अगेंस्ट थ्री सेट्स ऑफ रूल, मेकिंग एडजस्टमेंट वेन नेसेसरी टू पुट द एंटिटी इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म. स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को स्मॉल कर सिंपल करते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेबल्स को, कॉम्प्लेक्स जो भी डाटा स्ट्रक्चर है उसको सिंपल और स्टेबल फॉर्म में करने को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इसमें हम डाटा की जो एट्रीब्यूट्स की आपस में डिपेंडेंसीज हैं उनको ख़त्म किया जाता है. इसकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, लेकिन हमारे सिलेबस में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हैं तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे. फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी. फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स. फॉर एनी रिलेशन आर, एट्रीब्यूट बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए इफ फॉर एवरी वैलिड इंस्टेंस ऑफ ए दैट वैल्यू ऑफ ए यूनिकली डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ बी. स्टूडेंट्स, अगर हमें एक की वैल्यू पता है और हम उस एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है और हम उस एट्रीब्यूट से किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू का पता चला सकते हैं, तो हम कहेंगे कि जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो डिपेंडेंट है ऑन द फर्स्ट एट्रीब्यूट. इन फंक्शनल डिपेंडेंसी वन एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन द अदर एट्रीब्यूट, और वी कैन से दैट वी कैन determine the value of another attribute by using the first attribute. So we can say that second attribute is functionally dependent on the first attribute. जैसे अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता हो तो हम उसे एज का पता चला सकते हैं. तो एज इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट. स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह बाकी हम कल करेंगे. और अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं. थैंक यू.